राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 से 20 अक्टूबर तक बिहार के 3 दिवसीय यात्रा पर रहीं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के चौथे कृषि रोडमैप 2023-28 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया और नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा GEC चरण 2 अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS को मंजूरी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और भारत ने विश्व कप में 20 साल बाद न्यूजीलैंड को शिकस्त दी।